ये है कलम की ताकत, आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। नमस्कार, क्रिस संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय श्री गंगानगर के कस्बे केसरी सिंहवर में रावण रूपी ब्राई के पुतले का दहन आज मंगलवार को राजकीय स्कूल मैदान में 6 बजे किया गया। इससे पहले राम भाई रावण की सेना के बीच युद्ध के दृश्य दर्शाए गए। विराधक कृष्ण नृत्य रूपी झांकियां भी बरसे कलाकारों के द्वारा दिखाई गई। इस दौरान जनजागृति का संदेश देते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन सुबह 10 बजे किया गया, जिसमें यातायात नियमों का संदेश देती स्लो बाइक रेस प्रतियोगिता हुई, जिसमें कस्बे से लक्ष्मण दास प्रथम व सतबंद सिंह द्वितीय स्थान पर रहे। इसी तरह मैदान में ही रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बाल भारतीय स्कूल ने प्रथम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शत प्रतिशत मतदान, स्वच्छ भारत, पॉलीथीन मुक्त भारत थीम व रंगोली सजाई गई। वहीं रस्साकसी प्रतियोगिता में पवन सुरलिया राजेश सारण की टीम विजेता रही। वहीं पुलिस प्रशासन उप विजेता रहा, जिन्हें सम्मान प्रतीक व नगद राशि देकर सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। यहां पालिका अध्यक्ष कालू बाजीगर, अधिशासी अधिकारी सोहनलाल नायक, पार्षद सोमनाथ नायक, पार्षद जसपाल मेहरोलिया, नरेश कुक्कड़ सहित सुरेश कुकड़, गुरविंदर बराड़ का योगदान रहा। वहीं तिथियों में व्यापार मंडल अध्यक्ष परमात्मा सिंह, पूर्व अध्यक्ष राम कुमार जांदू, पूर्व पालिका अध्यक्ष सरदूल सिंह बराड़ व केसरी सिंहपुर पुलिस से CI सुरेंद्र पूनिया के साथ पूरा स्टाफ मुस्तैदी के साथ दशहरा मैदान से बाजार में भी डटा रहा। वह इस मौके पर कस्बे व आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से भारी भीड़ देखने को मिली। केसरी सिंहपुर से मदन सिंह सिद्धू व महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें स्लो मोटो रेस प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की गई ताकि लोग जागरूक हों और अपनी रफ्तार को नियंत्रण में रख करके वे अपने आप को सुरक्षित रहें, उसके साथ साथ बच्चों को भी सुरक्षित रखें। दूसरा संदेश देती हुई ये एक रंगोली प्रतियोगिता थी, जिसमें जन जागृति का संदेश बच्चे बचा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश देती हुई अनेक रंगोलियां सजाई गई थी। और तीसरी रंगोली रस्साकसी की प्रतियोगिता मनोरंजन के लिए रखी गई थी। इन आयोजनों से इस दशहरे के पर्व की शोभा और बढ़ गई, और जिसमें भी इस पार्टिसिपेट किया उन सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जो विजेता रहे, और जो विजय श्री नहीं लोग अपनी बुराइयां छोड़कर अच्छे काम के लिए प्रेरित हो। जिस तरह इस दशहरे पर जो भी प्रतियोगिताएं करवाई गई वह सुरक्षा की दृष्टि से रंगोली के माध्यम से जनता को संदेश देने के लिए ही करवाई गई, और इस सब में जिस भी भाई बहन ने जो भी सहयोग किया उन सबका